बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगल बुझा हुआ है। अध्यक्ष जी, किस तरह की तैयारी बीजेपी की, क्या प्लान है 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव की अग्रिम तैयारी बहुत मजबूती के साथ 20,629 बूथों पर अपनी टीम का गठन करके आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ लगे हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनेगी। 90 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतार दिए मैदान में, उसके बाद बगावती सुर सामने आए हैं। सोनीपत की बात करें तो राजीव जैन ने अपना नामांकन कर दिया, गन्नौर से बगावत के सुर सामने आए देवेंद्र खाद्यान, वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आ गए, और करणदेव कंबोज पार्टी छोड़ गए। उधर से सुरेंद्र, जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किल तो नहीं बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी में जो नेता पार्टी में है वही हमारे नेता हैं, वही हमारे कार्यकर्ता हैं। जो आज हमारी पार्टी में नहीं है, दूसरी पार्टियों से जिन्होंने फार्म भरा है, वो उस पार्टी के नेता हैं। तो जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई नाराज नहीं है, और जिनकी जो नाराज़गी थी उनसे बातचीत करके हमने उनको मना लिया है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। सोनीपत से पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन है, आप भी सोनीपत में ही हो, रही विधानसभा से विधायक भी, प्रदेश अध्यक्ष भी हो बीजेपी के, उन्होंने ना पार्टी से इस्तीफा दिया, कह दिया कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी को हमने सींचा है, हम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गई। ये जो कविता जैन जी ने कहा है और जो आपने मेरे को बताया है, बहुत अच्छी बात कही है। पार्टी माँ है और वो पार्टी के साथ है, और पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है, और वो पार्टी के हर फैसले का स्वागत भी करेंगे। फिर आप निर्दलीय तो उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए हैं, सोनीपत में तो मुसीबत बढ़ती दिख रही है बीजेपी की। ये जो आपने बात कही है, जब समय आएगा तो सब चीज़ों का जवाब हम देंगे। क्या कुछ जो पूर्व विधायक थे जिनको टिकट नहीं मिली, करणदेव कंबोज और अन्य कई पूर्व विधायक जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, क्या मनाने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई? क्या वो अपने आप, हमारे ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो कई पीढ़ियों से पार्टी के साथ रहे हैं, और वो अगर रास्ता भटके हैं तो बहुत जल्दी उनकी घर वापसी भी होगी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी राज में सरपंचों को पीटा, किसानों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा। ये जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, आज हमने सभी का सम्मान किया है, कर्मचारियों का सम्मान किया, सभी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का, DA बढ़ाने का, उनकी सुविधाएँ बढ़ाने का, और जितने भी जनप्रतिनिधि पंचायतों के हैं, चाहे पंचायत मेंबर है, चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे जिला परिषद है, सभी का हमने सम्मान किया है, सभी को कोई ना कोई सुविधा देने का काम किया है, और सरपंचों को 21 लाख रुपए तक के विकास के काम करवाने की जो सुविधा दी है, और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम सभी में पार्षदों के भी हमने पावर बढ़ाने का काम किया है, और हमने जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए सभी का सम्मान किया है। अब कांग्रेस की बात करें तो लगातार भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला लगातार कह रहे हैं कि भाजपा ने प्रदेश को लूटने का काम, युवाओं के साथ धोखा किया, अग्निवीर योजना को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आज देश की अग्निवीर योजना का देश के युवाओं ने स्वागत किया है, और 4 गुना युवाओं को रोजगार का अवसर दिया है, और एक देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी बढ़े इस प्रकार का प्रशिक्षण देके एक अच्छे देशभक्त युवाओं को तैयार करने का काम जो अग्निवीर की योजना से हुआ है, ये बहुत देश के लिए लाभकारी है, और ये देश के जितने भी युवा अग्निवीर में भर्ती होके जो काम करेंगे, और हरियाणा प्रदेश के तमाम सभी अग्निवीरों की गारंटी हमारी हरियाणा सरकार ने ली है, उनको उसके बाद नौकरी देने का भी काम करेंगे, और अगर वो अपना कोई व्यापार करेंगे, कोई काम करेंगे, तो उसमें भी सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार की सहायता बैंक के माध्यम से दिलवाने का काम हमारी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है, आरक्षण की सुविधा अग्निवीर के लिए बनाई। आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे स्कूल बनाएंगे, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है, और उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, और बड़ी बड़ी झूठे बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है, और जिस प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसी प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, अब उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि 2 दिन के बाद मैं दिल्ली
कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, कोई नया चेहरा दिल्ली में सीएम होगा। वो चाहते हैं कि नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव के साथ चुनाव हो। ये अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जब वो करेंगे तब जनता को विश्वास होगा। उन्होंने तो कहा था कि मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। वो जेल से ही शासन चलाते रहे, जेल में जाने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ी, तो इस प्रकार का विश्वास कैसे करें। ये अरे देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता जानती है किस प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का काम किया है। अब दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में, उसकी पार्टी, वो कह रहे हैं कि जब बीजेपी के साथ समझौता हुआ, गठबंधन में गया, वो एक मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। तो ये तो राजनीतिक फैसला था, और राजनीतिक अगर सूझबूझ नहीं थी इतनी तो उन्होंने फैसला नहीं लेना चाहिए था। कितनी सीटें मानती है बीजेपी हरियाणा प्रदेश में जीत कर आएगी, कितने आश्वस्त हो आप? हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया कि स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बनेगी, और मुझे पूरा विश्वास और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश और जनता में जिस प्रकार का समर्थन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अध्यक्ष जी, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अनिल विज अम्बाला से, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही भी और सबसे बड़ा सीनियर नेता भी हूँ, मैं सीएम बनना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता मुझे सीएम बनाना चाहती है। ये अच्छी बात है, हमारे 90 के 90 जो चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता सबको मुख्यमंत्री देखना चाहती है, इसलिए बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्या कहीं ना कहीं पैरवी करोगे अनिल विज साहब की, आपकी, आप मुख्यमंत्री बनो? भारतीय जनता पार्टी का फैसला, राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा की जीत के बाद नायब सैनी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। देखिए, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली थे, इनका कहना कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।